आज विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान की यह भिड़ंत। हाई वोल्टेज मैच को लेकर भारी उत्साह, फैंस में जोश है, तो मैच देखने तमाम सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं। और अहमदाबाद पहुंच गए हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा कि उम्मीद है अच्छा मैच होगा। अनुष्का शर्मा भी पहुंच चुकी हैं स्टेडियम से, टीम इंडिया को चीयर्स करती नजर आएंगी शंख के साथ, शंखनाद। ये शुरुआत अब से थोड़ी देर के बाद, ये महामुकाबला लगभग 2.5 घंटे के बाद ये मैच शुरू हो जाएगा। और लाखों क्रिकेट प्रेमी जो पूरे भारत से पहुंचे हुए हैं, देश दुनिया से पहुंचे हुए हैं भारत और पाकिस्तान की ये जंग देखने के लिए जो क्रिकेट के मैदान पर होने वाली है। और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रांत गुप्ता। विक्रांत, ओवर टू यू। आप में भी जोश होगा, स्टूडियो में भी जोश है, और किस तरह का माहौल, पूरे देश दुनिया की नजर भारत बनाम पाकिस्तान की इस जंग पर। आपने नेता बोला तो पीछे कैसे चलूंगा भाई, जीतेगा भाई जीतेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मतलब कहते हैं ना जैसे मार्च होता है, मार्च लेके जा रहा हूँ। देखिए यार, जिस तरफ आप देखें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के फैंस हैं। तो कोई कुवैत से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई कहाँ से आया है, ये देखिए आगे भी देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी जमाने में इंडिपेंडेंस मार्च हुआ करता होगा, मतलब वो माहौल है। बहुत से मैंने वर्ल्ड कप के मैचेस कवर किए हैं आशुतोष, इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैचेस कवर किए हैं, बट मैं सच बताऊं, मैंने इस तरह का माहौल शायद जिंदगी में मैं खुद पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूं। एक तो ये कि ऑब्वियसली एक ही मुल्क के फैंस हैं, पाकिस्तानी फैंस को तो वीजा मिले नहीं थे। जीतेगा भाई जीतेगा। आप तो इतनी जोर से बोल रहे हो, आपकी आवाज वैसे ही पहुंच जाएगी। भारत माता के। क्या बात है? अच्छा मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप सब ने पाकिस्तान को राइट ऑफ क्यों किया? सॉरी, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता? वजह बताइए मुझे सबसे बड़ी। बिकॉज हमारी टीम ही इतनी मजबूत है कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अवर टीम और सब प्लेयर अभी फॉर्म में चल रहे हैं, सो दैट इज व्हाई वी डेफिनेटली विन। और एक होम क्राउड का जो सपोर्ट है उसका भी एक एडवांटेज। अरे आप लोग तो भाई दुनिया में जहाँ जाते हैं आप लोग तो वाकई में यार इंडिया को इतना हौसला अफजाई करते हैं। दूसरी बात, इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान की कौन सी प्लेयर अच्छे हैं बताइए आप? विराट के बदले किसको देखते हो आप? किसी को नहीं। तो फिर कैसे जीतेंगे वो लोग? और नाम लीजिए। बुमराह की बॉलिंग के आगे किसकी बॉलिंग है? किसी की नहीं। स्पिनर तो आज ऐसे चलेंगे कि मेरे को तो लगता है 200 रन के अंदर ही सिमट जाएगी। और देखिए तमाम हमारे सहयोगी जुड़ते चले जा रहे हैं, और हो भी क्यों ना, आज बहुत बड़ा मुकाबला है। विक्रांत आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। चलिए अब रुख कर लेते हैं श्वेता सिंह का। श्वेता सिंह भी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास पहुंच चुकी है। किस तरह का माहौल है श्वेता? आप तो खुद भी बहुत बड़ी क्रिकेट प्रेमी है, क्या दर्शकों को अभी तस्वीर दिखाएंगी और क्या जानकारी देंगी? गजब का उत्साह होगा श्वेता। देखिए सैलाब, समुद्र पूरा का पूरा नीला ही होता है और नीले ही रंग में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। हर एक आदमी चाह रहा है कि आज जल्दी से जल्दी यहां पर पहुंचे। मैच तो 2 बजे से होता है, लेकिन अभी से पहुंचने का कारण काफी रंगारंग माहौल है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, एज ऑलवेज काफी तगड़ी होती है, सो होपिंग फॉर इंडियाज विन। होपिंग मतलब यकीन नहीं है, यकीन है कि नहीं है? Yes, तीन तो है। we will win इंडिया। गला खराब हो गया। इंडिया, हम तो इंडिया, आपके टीम में। गो इंडिया गो। देखिए यहाँ से आगे अभी पूरा रास्ता है आशुतोष, और ये पूरा रास्ता हमें आगे तय करना है, लेकिन इन जिन जिन बच्चों का गला खराब हो चुका है। इंडिया जीतेगा। वाह शांति। अच्छा क्यों, कौन जिताएगा? इंडिया जिताएगा। कौन? कोहली जिताएगा। शुभमन गिल, विराट कोहली होली, रोहित शर्मा नहीं, रविंद्र जडेजा नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं, ओनली विराट कोहली। मैच के लिए भी ये अपना गला बचा कर नहीं रखना चाहते, ये बस ये सीधे अभी ही पूरी अपनी टीम को चीयर कर लेना चाह रहे हैं। जल्दी पहुंचने की वजह क्या है, इतनी जल्दी 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 पहुंच जाए स्टेडियम क्यों? We can't wait to कॉन्सर्ट।
performance. Yeah, that also, and we can't wait to watch cricket. Cricket. 8-0 का दिन है आज. Absolutely. In fact, we have a banner which says 7-0. We are waiting for 8-0 now. तो उसको 8-0 करके लाना था ना. कराने के लिए लेके आए हम लोग दो. We got a 7-0. तो कराना तो 8-0 भी तो बना. आए हैं उसी के लिए. हो जाएगा, ready है. Stadium के अंदर ही हो जाएगा. Yes. पहले से 8-0. India. India. Which cheers for India? माता की जय. शुभमन गिल आज जरूरी है मैडम. 100 यस. ओहो, 100 मार. ये देखिए 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 शुभमन गिल का टी शर्ट. मतलब रोहित शर्मा कह रहे हैं 99% खेलेंगे. मैडम 200% खेलेगा वो. 100 मारेगा शुभमन गिल. मैम शुभमन गिल ने ये पिच पे सेंचुरी मारा है. ओडीआई में भी, T20 में भी और टेस्ट मैच में भी. तो कल बॉय तो वो भी. यस, आज एक बार फिर पक्का. हाँ, इंडिया इंडिया.